सब धुआं धुआं हो गया। और गाइस एक पोपट हो गया यहाँ पे, एक गड़बड़ हो गई। तो गाइस देखो यहाँ पे अपनी आलू वाली सब्जी तैयार हो गई, ग्रेवी वाली सब्जी तैयार हो गई है। हे गाइस वेलकम बैक टू द व्लॉग। और अभी टाइम देखो शाम के 5:45 हो रहे हैं और आज अष्टमी है, नवरात्र चल ही रहे हैं पता ही आपको। और अभी जो है व्रत, आज घर में सभी लोगों का व्रत है सर्वज्ञ को छोड़ के, तो पहला और आखिरी हम लोग व्रत रहते हैं। तो कल नवमी है, हम लोगों को अभी जो है ना हवन की तैयारी करने में लगे हुए हैं। तो कुछ लोग कल भी करते हैं और आज भी करते हैं। तो कल हम लोगों को कुछ बेसिकली कुछ काम है, तो जल्दी जल्दी इसलिए देर हो जाएगी इसलिए उस काम में वहाँ जाने में, तो इसीलिए जल्दी जल्दी आज हवन कर लेते हैं। तो अभी जो है हवन की सारी तैयारी होगी, लकड़ी वकड़ी सब मैं देखो यहाँ पे ले आया प्रीति के घर से, और सर्वज्ञ हमारे यहाँ पे खेल रहे हैं। हेलो गाइस। तो प्रीति हमारी देखो यहाँ पे प्रसाद की तैयारी कर रही है, रेडी हो रहा है प्रसाद। तो और सर्वज्ञ हमारे देखो गाइस यहाँ पे खेल रहे हैं, तो देखो हेलो। और जल्दी जल्दी हवन की तैयारी करते हैं गाइस, और फिर आपको सीधे हवन भी मिलते हैं। ये शहद, गंगा जल, ये रहा गंगा जल, गंगा जल लो, ये मम्मी को दे के आओ, गिराना नहीं, गिराओ नहीं, आराम आराम से ले जाना, रख दो थोड़ी देर बैठ जाए, खिला दिया। उल्टा पुल्टा काम करते हैं ऐसा, यार उसके शहद की बोतल। सबसे गाइस परेशान है जोड़ने वाला, इसका वो पजल वाला आता नहीं खिलौना, वही मांग रहा है और पता नहीं कहाँ पे रखा हुआ है, इधर उधर कहीं। इतने खिलौने खेलते हैं, डिब्बे उब्बे सब, सिर्फ डिब्बे डिब्बे खेलते हैं। और आज इनको पता नहीं कहाँ जोड़ने वाला खिलौना याद आ गया, तो अभी जोड़ने वाला खिलौना चाहिए इनको, चलो ढूंढते हैं इनको देते हैं। तो गाइस ये देखो सर्वज्ञ का मिल गया है, यही ढूंढ रहा है तब से, यही चाहिए ना, हाँ यही चाहिए, लो अंदर रखा था ऊपर रखा हुआ था। थैंक यू, अरे वाओ, थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मी, चलो खेल लो, ये ट्रक उधर ले जाओ यहाँ किचन। किसने बताया थैंक यू बोलने के लिए बेटू, इतनी बड़ी ट्रक, ओ भाई तुम्हारी जितनी ट्रक है ये, तुम्हारी जितनी ट्रक है ये, इतनी बड़ी ट्रक है, किसकी है ये, हाँ खेल लो अब, मिले और खिलौने नहीं मिलेंगे, इसको खोलना इसके अंदर डालना ठीक है। सारी तैयारी हो गई, ये सारा हवन वन सब तैयार कर लिया, फल भी यहाँ रखा हुआ है और सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं और सर्वज्ञ भी यहाँ बैठे हैं, तो चलो जल्दी जल्दी हवन कर लेते हैं। फाइनली गाइस हवन हो गया अपना, और पूरा देखो घर में धुआं धुआं फैल गया, सब धुआं धुआं हो गया क्योंकि ये हवन हुआ ना, यहाँ अंदर ही हवन किया हम लोगों ने, तो धुआं धुआं सब हो गया सब पूरा, कोई नहीं है। और ये धुआं थोड़ा ठीक भी होता है, चलो बाकी अभी देखते हैं नाश्ता पानी जो होता है वो करते हैं अपना। तो गाय अब पीते हैं चरणामृत, जो प्रीति ने बनाया था तो पीते हैं अब चरणामृत। सही हो रहा है, मस्त। पूछते हैं कैसा है, इनके खुद का बनाया चरणामृत कैसा है, बढ़िया है, बढ़िया। और अभी भी देखो गाइस धुआं अभी भी है, हल्का फुल्का है, ये भी धीरे धीरे करके निकल जाएगा। आ जाओ बेटा, जो हो गई है तो अभी जो है मैं यहाँ पे देखो चाय जो है अभी बना रहा हूँ मैं, इसमें सब चीज डाल दिया है मैंने, चीनी चाय पत्ती अदरक सब डाल दिया है, बस बढ़िया से उबाल आ जाए, चाय पक जाए तो छानते हैं फिर चाय पीते। सो गाइस देखो चाय अपनी बन गई, मस्त चाय बनी है, और यहाँ पे मखाने और मूंगफली हैं और चिप्स भी रखे हुए हैं, यहाँ पे आलू के चिप्स रखे हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे प्रीति और सर्वज्ञ बैठे हैं। जल्दी जल्दी गाइस चाय खत्म करते हैं, भूख भी लगी है थोड़ी बहुत। तो गाइस चाय देखो अपनी हो गई और पी लिया चाय मस्त, अभी थोड़ा बहुत पेट भर गया है। अभी देखो यहाँ पे आलू छील रहे हैं, तो ये आलू है, तो अभी प्रीति इसकी सब्जी बनाएंगी मस्त वाली। यहाँ पे प्रीति ने सिंघाड़े का आटा साना है, तो इसकी पूड़ी बनाएंगी, और ये आलू की ग्रेवी वाली सब्जी बता रही है वो सब्जी बनाएंगी,
तो देखते हैं कैसे। सो गाइस अभी खाने की तैयारी प्रीति अभी जोरों शोरों से कर रही हैं। तो यहाँ पे आलू उलू देखो मैंने छील लिए थे पहले ही और ये कढ़ाई ऊपर रख दी है। तो बस अभी कढ़ाई इसमें कढ़ाइया में तेल डालना है तो तेल डालते हैं। और गाइस एक पोपट हो गया यहाँ पे, एक गड़बड़ हो गई यहाँ पे। इन्होंने सिंघाड़े का आटा यहाँ पे उसको साना था तो वो देखो कैसे हो गया, ये मतलब सूख गया, रखे रखे सूख गया, ढका नहीं, वो गलती से भूल गई तो रखे रखे सूख गया। तो अभी रखा रहेगा, अभी पानी डाल के सही करने हो जाएगा। तो अभी इसको पानी डाल के सही करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे तेल वेल डाल दिया यहाँ पे कढ़ाई में। तो बस गाइस जल्दी जल्दी खाना भी बनाते हैं अपना और फिर दिखाएंगे आपको बाकी शॉर्ट्स। तो अपने आते आएंगे उसमें अभी आप देख सकते हो कैसे क्या बनाया है हम लोगों ने। चलो जल्दी से खत्म करते हैं काम ये वाला। तो अभी गाइस ये मसाला तैयार हो गया आलू की ग्रेवी का। इसमें काली मिर्च, सेंधा नमक, जीरा और आलू पड़ेगा इसमें, टमाटर और हरी धनिया, बस ये चीज़ पड़ेगा इसमें। और ये वाले उबले हुए आलू इसमें पड़ेंगे जो मैंने अभी छीले थे। तो गाइस देखो यहाँ पे अपनी आलू वाली सब्जी तैयार हो गई, ग्रेवी वाली सब्जी तैयार हो गई है। तो बताना नीचे कमेंट में कैसी लग रही है, इसको खाएंगे तब आपको बताएंगे कैसी बनी है। गाइस देखो यहाँ पे सिंगाड़े के आटे की आटा जो था ना वो ठीक कर दिया गया है, अभी इस तरह हो गया। और रोटी पूरी देखो कैसे उसको बेलते तो बन नहीं रहा है क्योंकि टूट जा रहा है ना, तो फिर पूरी बन रही है यहाँ पर। तो हाथ से इसको कुछ इस तरीके से बना रही हैं ऐसे करके तो टूटी जा रही है गाइस। तो पता नहीं कहीं मोटा कहीं वो हो जा रहा है। तो बन गया, अभी गाइस देखना कैसे इसको बेलेंगे। इस पे तो बेलते नहीं बन रहा है तो हाथ से ही ऐसे करेंगे अभी देखना। तो कुछ इस तरीके से बेला जा रहा है, बेला क्या जा रहा है इसको पूड़ी बना, पूड़ी का शेप दिया जा रहा है क्योंकि बेल उस पे क्या कहते उसको पीड़े पे बेलते हुए टूट जा रहा है, ये बेलन से बेलते नहीं बन रहा है। सो गाइस खाना देखो अपना रेडी हो गया है, रायता है और ये दिखाया है आपको आलू की सब्जी है और ये सिंघाड़े के आटे की पूड़ी है। तो बस गाइस जल्दी जल्दी खाना ख़त्म करते हैं, अब टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया, 11:30 बज गए। तो जल्दी जल्दी खाना ख़त्म करते हैं और यहाँ पे सर्वज्ञ भी हमारे खाना खाने जा रहे हैं। सो गाइस खाना अपना हो गया है और दिखाया आपको क्या खाना खाया। तो और बाकी इस बार पहली बार मतलब इससे पहले कभी व्रत रहते थे तो इस तरह का खाना वाना हम लोग कभी बनाते नहीं थे। यूजली हम लोग जो है वही मखाना वखाना वही मूँगफली दाने ये सब फलाहार खा के रहते थे हम लोग पूरे दिन व्रत। तो बाकी इस बार शाम को हम लोगों ने इस तरह का खाना कुछ बनाया। बाकी सर्वज्ञ हमारे यहाँ पे सो गए हैं और बस टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया, 12:30 बज गया है। मैं आपको अपना पूजा वूजा सब दिखाया, हवन दिखाया आपको, पूजा पाठ में क्या किया हम लोगों ने। बाकी इस ब्लॉग को बस यहीं पेंड रखते हैं, कल से नवरात्र खत्म हो जाएंगे और बस इस ब्लॉग को भी आज यहीं इतना ही रखते हैं। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। तो गाइस सारे घर में देखो धुआं धुआं भर गया, हवन हुआ ना सारे घर में धुआं धुआं भर गया।